जी राम राम दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो सबसे पहले एक प्रीव्यू को वॉच करते हैं। छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। एंड अब शर्वास्ती प्रीव्यू। उससे पहले कि हम आपको बता दें कि भाई साहब 9-10 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, बिकॉज थोड़ा सा तबीयत अप एंड डाउन था, तो इसलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि प्रीव्यू तो आपने वॉच कराई है, एंड उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद नीचे में प्लस का सेक्शन है, आपको प्लस के सेक्शन पर टैप करके 9x16 का रेशियो देन बैकग्राउंड को हम ब्लैक रखें, देन क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करो, प्लस के आइकन पर टैप करो, मीडिया पर टैप करके सबसे पहले कि हम सॉन्ग को ऐड करते हैं। तो सॉन्ग के लिए वीडियो को ऐड करना पड़ेगा, एंड वीडियो में से हम सॉन्ग को एक्सट्रैक्ट ऑडियो मतलब बाहर इम्पोर्ट करना है हमें, एंड देन डिलीट। एंड इसके बाद मैन्युअली आपको सॉन्ग को अच्छे ढंग से सुन लेना है, एंड सॉन्ग सुन लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अच्छे से बीट लगाना। जब तक आप बीट नहीं लगाओगे आपको अच्छे ढंग से यहाँ पे आपका जो वीडियो है अच्छे ढंग से क्रिएट नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसके लिए मैन्युअली आपको अच्छे ढंग से सॉन्ग को सुनना है, देन उसके बाद आपको इस तरीके से बीट लगा लेने हैं। ओके, एंड देन 3 से 4 हमने बीट लगाए हैं, जो कि ऐसे सॉन्ग को हमने सुना नहीं है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हमने 3 से 4 बीट लगाए। तो मान लीजिए मेरा पहला बीट कुछ इस तरीके से है, 3 से 4 बीट हमने जो लगाए हैं इस तरीके से है, एंड देन पहला बीट यहाँ पे है, प्लस के आइकन पे टैप करना है, चेस्ट पे टैप करना है, एंड यहाँ से देखो जैसे नॉर्मली 2 हमने ऊपर में इमोजी ऐड करा था, एक वैट वाला हार्ट था, तो वैट हार्ट को हम इस तरीके से ट्रांसपेरेंट करेंगे फॉन्ट वाले सेक्शन पे टैप करके iOS 14 फॉन्ट, देन साइज़ को हल्का सा हम बढ़ाएंगे इस तरीके से। साइज़ को बढ़ाने के बाद ओके पे हमें क्लिक करना है, एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे टैप करके इस तरीके से इसे यहाँ पे हम ऐड करेंगे। साइज़ को हल्का सा जूम करके यहाँ पे एंगल का जो सेक्शन है, एंगल वाले सेक्शन को इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हो। ओके, एंड देन और भी आप चाहो तो जूम कर सकते हो, एंड एक ये हो गया। फिर से प्लस के आइकन पे टैप करना है, चेस्ट पे टैप करना है, एंड यहाँ से इस बार हम इस वाले इमोजी को ऐड करेंगे, एंड देन यहाँ से ट्रांसपेरेंट, एंड देन फिर से बस वही काम iOS 14 फॉन्ट, एंड साइज़ को हल्का सा बढ़ा लेंगे, देन हमें ओके पे क्लिक करना है, एंड इसे हम यहाँ पर जाकर ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा आप देख लेना जैसा कि हमने प्रीव्यू में ऐड कराया, लाइक उसी प्रकार आपको ऐड करना है तो इस तरीके से तो करना ही पड़ेगा आपको। ओके, एंड देन इसे हम दोनों जो लेयर हैं, दोनों लेयर्स को हम सबसे एंड तक इस तरीके से इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से एंड तक, एंड ऊपर में भी मेरे पास हमने एक इमोजी ट्राई करा था, तो आप भी ट्राई कर सकते हो इस तरीके से, एंड इसे हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, एंड बस वही काम iOS 14 फॉन्ट एंड साइज़ को हल्का सा डिक्रीज करके यहाँ पे इसे हम ऐड कर देंगे इस तरीके से। ओके, एंड देन ये तीनों आपका जो इमोजी है, तीनों इमोजी इस तरीके से ऊपर में एडजस्ट हो जाएगा। एंड देन अब हम करेंगे क्या कि इसे एक ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए तीनों लेयर्स को इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है, एंड देन फर्स्ट वाले सेक्शन पे टैप करके इसे हम ग्रुप एज मास्क करेंगे, मतलब एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। अब कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से हमें यहाँ पे ऑक्सिलेट इफेक्ट देंगे, उसके लिए फिर से ग्रुप पे टैप करना है, इफेक्ट पे टैप करना है, एड इफेक्ट पे टैप करना है, ऑक्सिलेट OSCI LLT इस पर टैप करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करना है। एंगल को आपको 90 करना है, नहीं तो फिर आप 45 भी रहने दे सकते हो, लेकिन जो आपका मन है यहाँ पे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप 90 करो तो ही सही रहेगा, नहीं तो 45 भी सही रहेगा, आप ट्राई कर देख लेना। जो फ्रीक्वेंसी आपका वाई डिफॉल्ट 2 है, इसे फ्रीक्वेंसी को करेंगे 0.20 या फिर 30, तो हम 0.30 रखते हैं फ्रीक्वेंसी को, एंड मैग्नीट्यूड को रखेंगे 0.15 एंड फ्रीक्वेंसी को 0.30 एंड मैग्नीट्यूड को 15। अब ये आपका वीडियो कुछ इस तरीके से यहाँ पे यहाँ तक बनकर रेडी हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अब नीचे में लैरिक्स ऐड करना है, नीचे में लैरिक्स ऐड करना है। तो मेरा जो पहला लैरिक्स है इस तरीके से हम लिख लेते हैं, ये मेरा पहला लैरिक्स है, लैरिक्स का पहला लाइन यही है, एंड देन अलाइनमेंट वाले सेक्शन पे टैप करके आपको रोबोटो रेगुलर वाले सेक्शन पे टैप करना है। यहाँ पे न्यू वॉल्ट एडिजन एक फॉन्ट है, आपको इसे यूज में लाना है, कलर आपको वाइट सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करना है। साइज़ को आप थोड़ा सा देख लियो इस तरीके से, थोड़ा सा आप जूम वगैरह करके यहाँ पे नीचे में हम इसे ऐड करेंगे। चलो यहाँ पे हमने इसे ऐड करा, अब ऐड करने के बाद जहाँ तक आपका वीट है उसके अकॉर्डिंग रखना है, बाकी आपको ट्रिम कर लेना है। ओके, एंड देन इसे हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे अब आपको कुछ इफेक्ट लगाने, उससे पहले कि यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इस पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है इस फॉन्ट में, नो वॉल्ट डिजनी फॉन्ट है, यहाँ पे दिक्कत होता है आपको टेक्स्ट स्पेसिंग का। इसलिए उससे पहले सबसे पहले कि हम इसी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, टेक्स्ट स्पेसिंग वाले इफेक्ट सेक्शन में जाएंगे, एंड
थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग को बढ़ा देंगे इस तरीके से, 5 रखेंगे ताकि मेरा चेस्ट स्पेसिंग का जो प्रॉब्लम हो वो मतलब ज़्यादा साइड नहीं, थोड़ा सा फैल लगे तो अच्छा लगेगा देखने में। एंड देन फिर से इस पर टैप करेंगे, मतलब लेयर पे टैप करना है, जो आपका लिरिक्स का जो लेयर है इस पर टैप करना है। बॉर्डर एंड शैडो वाले सेक्शन पे टैप करके सबसे नीचे में जो शैडो का सेक्शन है शैडो को इनेबल करना है, देन कलर को आपको वाइट करना है। एंड कलर को वाइट करने के बाद आपका जो नीचे में साइज है साइज को हम रखेंगे 50, साइज को हम रख लेंगे 50, पूरा का पूरा आपको 50 रखना है, देन डन। चलो स्ट्रोक हो गया। अब यहाँ पे अच्छे ढंग से समझिएगा, जब ये दोनों काम हो जाए चेस्ट स्पेसिंग एंड देन एक और आपको मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाना है, फिर से लेयर पे टैप करके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे टैप करना है, जूम वाले सेक्शन पे टैप करना है एंड एक स्टार्टिंग पोर्शन पे खींचना है, एक आपको बीच में यहाँ पे एक की देना है। एंड जो स्टार्टिंग पोर्शन का की है उसे हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस तरीके से, एंड जो बीच वाले की को बस ऐसे ही रहने देते हैं। बीच में जो आपका यहाँ पे क्या कहते हैं की फ्रेम है, यहाँ पे हम इस तरीके से ऐड कर देंगे लाइक दिस। ओके, देन आपका ये कुछ इस तरीके से होगा, देख रहे हो ना कुछ ऐसा। यहाँ कर लेने के बाद फिर से इस पर टैप करना, इफेक्ट पे जाओ, ऐड इफेक्ट पे जाओ, यहाँ पे आपको सर्च करना है WFE वार्फ, इस पर टैप करके स्टार्टिंग शेडिंग पे टैप करो, बस फेज में स्टार्टिंग पोर्शन पे खींचना है, सबसे इंड में खींचना है। एंड जो इंड वाला जो पोर्शन का किए इंड वाले पोर्शन को 1 रखना है, इंड वाले पोर्शन को 1 रखिएगा। ओके, देन नीचे में जाना है, स्पेसिंग जाकर स्पेसिंग को 1 कर लो, स्पेसिंग को 1 कर लो, मैग्नीट्यूड को भी 1 कर लो एंड डन। ये आपका इस तरीके से कुछ ये इफेक्ट आपका कुछ ऐसा बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे चाहो तो और भी कुछ इफेक्ट्स आप दे सकते हो, इसके लिए फिर से जाना ऐड इफेक्ट पे, एक्सपोजर गामा, EXPOAC वाली एक्सपोजर गामा, इस पर टैप करके पूरा एक्सपोजर को आपको 2 करना है, डन। ओके, बैक जाओ, फिर से इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट में जाओ, इस बार आपको सर्च करना है गॉसियन ब्लर, GAUSSIAN गॉसियन ब्लर, इस पर टैप करके स्ट्रेंथ को थोड़ा सा हल्का सा ध्यान से समझिएगा, एक स्टार्टिंग पोर्शन पे खींचना है, सबसे बीच में की देना है। एंड जो बीच वाले की है बीच वाले की को आपको 0 रखना है, एंड यहाँ पे बीच में जो आपका की फ्रेम है वहाँ पे हम कुछ ऐसे करके की फ्रेम ऐड कर लेंगे। ओके, आप अपना ढंग अपने हिसाब से देख लेना, कुछ ऐसा मतलब बनाएंगे कर्व इस तरीके से, देन कि कुछ ऐसा मतलब शुरू में ब्लर हो एंड देन कुछ इस तरीके से। और भी चाहो तो यहाँ पे ब्लरनेस मतलब चाहते हो कि ब्लरनेस ना रहे तो इसे और भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड देन सबसे इंड में जो आपका पोर्शन है मतलब जो सबसे इंड में जो आपका इफेक्ट है उस इफेक्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर टैप कीजिए, इफेक्ट पर टैप कीजिए, एड इफेक्ट पर टैप कीजिए, आपको सर्च करना है येलो इन द लॉन्ग साइड, इस पर टैप कीजिए, शेडिंग पर टैप करके यहाँ पे जो साइज है साइज को यहाँ पे आपको रखना है 0.024। ओके, तो हम रखेंगे 0.024 या फिर 0.025 इस तरीके से, तो हमने रखा 0.025। एंगल को कुछ नहीं, हाँ एंगल को 28 कर लेंगे, एंगल को हमें 28 रखना है। ओके, देन नीचे जाएंगे, अल्फ़ा को पूरा बढ़ाना है इस तरीके से, अल्फ़ा को पूरा बढ़ा देना है। एंड देन फेड में जाकर फेड को आपको 4 रखना है, फेड को हम 4 रखेंगे इस तरीके से, एंड वीडियो आपका बनकर रेडी हो चुका है कुछ इस तरीके से, देख लो। तो यहाँ से जूम कर आप देख सकते हो, या फिर आप वीडियो को अच्छे ढंग से यहाँ पे इंपोर्ट कर लेने के बाद वीडियो को, तो जैसे ये मेरा पहला लाइडिक्स हो गया कंप्लीट। एंड तो इसे हम और भी करने के लिए बस कॉपी लेयर करेंगे एंड इजीली पेस्ट लेयर, इस तरीके से जहाँ तक है इस तरीके से हम पेस्ट लेयर करते जाएंगे, जहाँ तक आपका इन तक जो भी है जहाँ तक आपका लिरिक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको पेस्ट लेयर करते जाना है। बाकी जो आपको चेंजिंग करना है यहाँ पे जाकर आप टेस्ट में जाकर चेंजिंग कर सकते हो, जो भी XYZ जो भी है ओके पे क्लिक करो, बस यहाँ पे जो चेंजिंग करना है बस ट्रिम करो कट करो पूरा, एंड XYZ जो भी लिखना है इस तरीके से आप लिख सकते हो इस तरीके से, ये इस तरीके से। अभी थोड़ा बहुत ब्लर जैसा दिख रहा है तो एक्सपोर्ट करो, फिर समझ में आ जाएगा, एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पर टैप करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेगा लोगे तो वो आपको अच्छे ढंग से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो बस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर, चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल के किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।